अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुशाहिद हैदर और आज हम सॉलिड वेट को डिस्कस करने वाले हैं कि सॉलिड वेट कहते किसे हैं, ये जनरेट कैसे हो सकता है, हम इसके साथ कैसे रिएक्ट कर सकते हैं और हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है। देखें, कोई भी जो अनवांटेड चीज़ हो, चाहे लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैसेस फॉर्म में हो, हम उसे वेस्ट कहेंगे। और जो सॉलिड के फॉर्म में वेस्ट होगा हम उसे सॉलिड वेस्ट कह देंगे। फॉर एग्जांपल, आप टायर्स यूज़ कर लेते हैं जब आपके किसी काम के नहीं है, वो सॉलिड वेस्ट है। आप जो मेडिकल में सिरिंजेस वगैरह यूज़ करते हैं वो सॉलिड वेस्ट है। आप घर को देखें तो जब आपका फर्नीचर टूट फूट का शिकार हो जाता है, आपकी क्लीनें वगैरह, बेड वगैरह, पर्दे वगैरह, ये सारी जब चीज़ें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, ये सॉलिड वेस्ट होते हैं। मैंने देखा, अपने सामने कमरे को देखा, मुझे कमरे में जो जो चीज़ें नज़र आ रही थी मैंने वेस्ट कर देख, क्योंकि वो देखें ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं और इनका जो वेस्ट होता है उसे सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अब सॉलिड वेस्ट की क्लासिफिकेशन करते हैं कि सॉलिड वेस्ट कहते कौन कौन सी चीज़ें सॉलिड वेस्ट में आती हैं। फर्स्ट है रेजिडेंशियल वेस्ट, जहाँ आप रहते हैं, जो मैंने सारी एग्जांपल दी। दूसरा है कमर्शियल वेस्ट, जो कमर्शियल प्लाजेज होते हैं, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, जो मार्केट्स पूरी की पूरी होती है, मतलब फिशरी मार्केट, वो जो वेस्ट है वो कमर्शियल वेस्ट है। फिर है इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, जो इंस्टीट्यूशंस का होता है। फॉर एग्जांपल, आप हॉस्पिटल को ले लें, इंस्टीट्यूशन है, आप अकेडमिक्स को ले लें, ये वेस्ट है। फिर है म्यूनसिपल वेस्ट, जो हमारे घर का वेस्ट है, जो म्यूनसिपल कमेटीज वाले कलेक्ट करते हैं, वो म्यूनसिपल वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो मेन वेस्ट है ना, देखिए उन्हें एयर को भी पोल्यूट करना है और उसके साथ साथ उन्हें हमारे जो पानी है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उन्हें भी पोल्यूट करना है, क्योंकि पाकिस्तान में 2080 के सर्वे के मुताबिक जस्ट 1% वेस्ट ट्रीट किया जाता है, बाकी ट्रीट नहीं किया जाता। फिर एग्रीकल्चर वेस्ट, देखें एग्रीकल्चर वेस्ट, आप जो आपका भूसा बच जाता है गंदम को साफ करने के बाद, आप उसे जला देती हैं। मजाक है, मजाक तो नहीं है, खैर अब हकीकत है, ये एग्रीकल्चर वेस्ट आते हैं। वेस्ट समझ आ गए, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या होगी? देखें, जो आपका वेस्ट है उसे कलेक्ट करना है, उसे ट्रांसपोर्ट करना है, और उस ट्रांसपोर्ट जब हो जाएगा उसे एक जगह इकट्ठा करके उसे डिस्पोज कर देना है। इस तरह डिस्पोज करना है, इस तरह उसे जान छुड़वानी है कि आपको इकोनॉमिक लॉसेस भी ना हो और आप पर और आपके इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना पड़े। हाइजीन कंडीशंस होनी चाहिए। अगर हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं तो हमको कुछ स्टेप के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जो पहला प्रोसेस है वो है वेस्ट जनरेशन। वेस्ट जनरेट होगा तो आगे कोई बात होगी, पहले आपने वेस्ट जनरेट करना है, वो तो हमने करना ही आराम में। फिर है स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, उसे स्टोर करते हैं घर में। हमने वेस्ट जनरेट कर दिया, मैंने वेस्ट जनरेट कर दिया, उसे घर में स्टोर करूंगा, प्रोसेस करूंगा। फिर वो बाहर आएंगे, उससे वेस्ट को कलेक्ट कर लेंगे, वेस्ट कलेक्शन हो जाएंगे। फिर वेस्ट कलेक्शन होने के बाद वेस्ट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर होकर फिर किसी और जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट होने के बाद फिर उस अब यहाँ आकर डिफरेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व होंगे, डिफरेंट प्रोसेसेस यूज होंगे, जो जो जिससे हमें फाइनल वेस्ट से हमें निजात मिलेगी। अभी तो वेस्ट सिर्फ कलेक्ट होकर एक जगह पहुंच गए हैं, एक ही जगह पे पहुंच गए, हमारे घरों से निकल गए, लेकिन अभी तक उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वैसे के वैसे पड़े हैं। तो अब यहाँ से ट्रीटमेंट उनकी स्टार्ट होती है। तो मेथड्स ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या होंगे? पहला मेथड है ओपन डंप्स। इस मेथड में ये होता है कि जैसे आप जाते हैं बाहर, आपको ऐसे गंद एक जगह गंद का ढेर आपको एक जगह पड़ा हुआ नजर आता है, सारी चीजें आके नजर पड़ी हुई नजर आ रही हैं, तो ये ओपन डंप्स हैं। मतलब जमीन का कोई हिस्सा जो खाली पड़ा है। हमारे इलाके तो ये होता है, अगर कॉलोनी में किसी जगह घर नहीं बना ना तो वही कूड़ादान बना होता है। उसे है लैंडफिल, लैंड को फिल करना। मतलब आपने एक जगह सेलेक्ट की, जगह सेलेक्ट करने के बाद एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद आपने जितना भी आपका पोल्यूशन था, गंद था, आपने उसके अंदर डाल दिया, गन डाल दिया, गार्बेज इंसर्ट कर दिया। अब उसके ऊपर आप सॉइल ऐड डाल देते हैं, किसी तरीके उस चीज़ को कवर कर देते हैं, तो ये लैंड फिल हो गए, जो लैंड थी वो फिल हो गई। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिग्रीगेशन मेथड। सिग्रीगेशन मेथड्स ये होते हैं कि हम ना वेस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल कैटेगरी में कौन से वेस्ट आते हैं? जो मजीद डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड होने से मुराद उन पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज़ बताऊं, जो भी वेस्ट है, मतलब फिश का वेस्ट है,
चाहे आप आम खाते हैं, आम का छिलका है, माल्टों का छिलका है, कोई भी चीज़ जो ग्रीन है, आप उससे ना फ्यूल्स बना लेते हैं, आप उससे एनर्जीज बना लेते हैं। आप किस तरह बनाते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जो अंगूर से शराब बनती है, कद्दू से शराब बनती है, तो ये क्या है? ये यही है ना कि कोई भी चीज़ है, वेस्ट है, आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ना डिग्रेड कर देते हैं, उससे कोई लिक्विड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में आपको चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। कोई एग्जांपल देता हूँ कि जो अब ज़मीन से ऑयल और गैस प्रोड्यूस हो रहे, कैसे हुए? ये सारे बायोडिग्रेडेबल हुए थे। मतलब अब जो फिश, एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, कोई फिश जहाँ है समंदर में, वो मर गई, उसके ऊपर एक पत्थर आ गया, बहुत हैवी पत्थर। अब जो वो स्टोन था, वो कई साल उस पर पड़ा रहा, उस स्टोन का भी प्रेशर था, उस पर टेम्परेचर भी था, नतीजा क्या होगा? वो जो फिश थी वो डिकम्पोज हो जाएगी, वो बायोडिग्रेड होकर वो ऑयल और गैस में चेंज हो जाएगी, वो फिर जब हम उसे एक रास्ता मिलेगा ओपन की तरफ से, ऊपर आके वो बन जाएगी। तो एक कैटेगरी होती है बायोडिग्रेडेबल, दूसरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब आपका आ गया है लोहा, घर के सामान में से लोहे की चीज़ें, खोंटियाँ, इस तरह की चीज़ें आपके पास आ गई हैं। इन्हें तो बैक्टीरिया तो नहीं कुछ कर सकता, लोहे का क्या करे? तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहा जाता है। फिर बस काफ़ी, ज़्यादा डिटेल नहीं देनी आपको। कंपोजिटिंग भी एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक मेथड है। इसमें आप करते क्या, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप यूज़ करते हैं, जो आपका बायोडिग्रेडेबल मटेरियल सेपरेट हो चुका है ना, मतलब जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं, आप उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनसे आप कोई फ्रूटफुल एनर्जी ले सकते हैं। आप जितने भी बायोफ्यूल आप यूज़ करते हैं, बायोफ्यूल्स, बायो जो मतलब किसी जानदार चीज़ से हासिल हुए, उनके बाकियात से हासिल हुए, आप जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में एक चीज़ फोकस की जाती है, वो कहते हैं कि आप बायोफ्यूल पे हैं, एनर्जी क्राइसिस है, आप बायोफ्यूल पे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज पे हैं। तो ये कंसेप्ट है बायोफ्यूल का, जो आपके वेस्ट हैं आप उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये कंपोजिटिंग में जो बायोडिग्रेडेशन होते हैं, दो तरह से होती है, एन एरोबिक बायोडिग्रेडेशन भी हो सकती है और एरोबिक डिग्रेडेशन भी हो सकते हैं। एन एरोबिक है कि डिकम्पोजिशन करेंगे, लेकिन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, आपने कोई बैक्टीरिया दे दिए हैं उस मटेरियल को, लेकिन वहाँ एयर मौजूद नहीं है। लेकिन एरोबिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन भी मिल रहे होते हैं और डिकम्पोजिशन भी होते हैं। अब ये दो तरीके हैं, तो इनका जो प्रोडक्ट होता है, जो आपको बायोफ्यूल अगर एनएरोबिक से मिलेगा या एरोबिक से मिलेगा, उसके प्रॉपर्टीज में भी फर्क होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपने स्टिंग पी ली, फॉर एग्जाम्पल आपने स्टिंग पी, वो प्लास्टिक वाली, बड़ी वाली, बड़ी छोटी नहीं, बड़ी वाली, आपने उसे रिड्यूस कर लिया, रिड्यूस आपने कर लिया, अब आपने उसे रीयूज करना है। जो बाज का जो बहुत खूबसूरत इमारतें होते हैं ना, उनके ऊपर ये बोतलों से ना एक खूबसूरत काम किया जाता है, मतलब वो बहुत ब्यूटीफाई लग रहे होते, बहुत खूबसूरत लग रहे होते। तो ये रीयूज हो गया, फिर आप क्या कह सकते हैं, जब ये वहाँ भी लगने के काबिल ना हो, आप इसे रिसाइकिल करते हैं प्लास्टिक में। तो ये एक सॉलिड वेस्ट, जिससे एक और एग्जांपल आपको, एक टायर के एग्जांपल देता हूँ, पहले गाड़ियों में यूज़ हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद उसे हमने ब्यूटी के लिए यूज़ किया, उसे रख के अंदर गुलदान लगा दिया, उसे गमला बना दिया, उसमें फूल लगा दिए, फिर उसके बाद जब वो वहाँ से भी जाता है, फिर उसे रिसाइकिल कर दो, मतलब उसे फिर प्लास्टिक बना के पिघला के। तो ये टेक्नोलॉजी है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। फिर है इंसाइरेशन। ये देखो, कुछ चीज़ें वेस्ट होते हैं, हम उनकी बायोडिग्रेडेशन नहीं कर सकते, हम उसे रिसाइकल भी नहीं करते, हमने उन्हें जलाना ही जलाना होता है। तो ये जो प्रोसेस है इंसाइरेशन, ये है कि हम एक फर्नेस में वो तमाम चीज़ें डाल देते हैं, वो जल जाती हैं। अब हम इंसाइरेशन में हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? देखिए, कुछ जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ना, स्रंजीज, मेडिसन, जो सारी वेस्ट होते हैं, वो हम इंसराइट कर देते हैं। उसका फायदा ये है कि वहीं वो बर्न कर, ब्रस्ट होकर सब कुछ जल के बाहर जाएगा। लेकिन क्योंकि आपको पता है, केमिकल जितने प्लूटेंट होते हैं, अगर किसी और तरीके से हम यूज़ करेंगे, हमें खतरा है कि ये बाहर आके हमें, हमारे लिए अच्छा नहीं है। पैरालिसिस भी एक फिनमिना है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यूज़ होता है। ये क्या? ये थर्मोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, केमिकली उसे अटैक या डिकम्प्लीट किया जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है, उससे और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में 50% जो जनरेटेड वेस्ट है वो कलेक्ट ही नहीं होता, वो बस जहाँ पड़ा है पता नहीं कौन सी मखलूक कहेगी वो यूज़ करेगी। सेकंड जो ये वेस्ट मैनेजमेंट है ना,
देखें जैसे पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रही है, अगर किसी कोई प्रॉपर प्लानिंग के साथ है, प्रॉपर फोकस के साथ है, वो जो वेस्ट है ना, वेस्ट से एनर्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, या वेस्ट जो आप डंप कर देते हैं ना, उसमें काफ़ी कीमती चीज़ें भी होती हैं, उनमें से जो अहम चीज़ें स्पेसिफिक अपना मकसद बना लें, वो हासिल करके आगे सेल करनी है। तो जो पाकिस्तान में इंटरप्रेन्योरशिप वेस्ट मैनेजमेंट की तरफ से, जो मतलब वेस्ट जनरेटिव से चीज़ें हासिल करने वाली, ये बहुत इम्प्रूव हो रही है, बढ़ने लगे, और आप भी अगर जॉब्स आपको नहीं मिल रही तो आप इस तरफ ज़रा सोच सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आबाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा।